being a powerlifter as an athlete or as an official, अगर थोड़ा सा उसकी तवज्जो दें और थोड़ा सा उनको दर्ज करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सीख लें तो आपको इंशाल्लाह आगे काफ़ी बेनिफिशियल होगा अपनी लिफ्टिंग के लिए भी और अपने जो आप हमारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उनके लिए भी। तो बेसिकली हम पावर लिफ्टिंग फंडामेंटल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पावर लिफ्टिंग है क्या, वाई नॉट वेट लिफ्टिंग वाई पावर लिफ्टिंग और वाई नॉट पावर लिफ्टिंग वाई वेट लिफ्टिंग है क्या। तो कोई हम पहले भी बात कर चुके हैं क्या फर्क है दोनों में, पहले तो क्लैरिटी इसका फर्क बताएगा, क्लैरिटी फर्क क्या और फिर टेक्निकली फर्क होता है इसके अंदर क्या है। चलो वेटलिफ्टिंग स्पीड जो है स्पीड बता दें टेक्निक तो बता दें। हाँ जी पावर लिफ्टिंग दूसरी स्ट्रेंथ एग्जैक्टली। तो बेसिकली जैसे चलो के बाद स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट है और मोमेंटम और स्पीड इसके अंदर मिनिमाइज कर दिया जाती है। वेट लिफ्टिंग में यू कैन बी अ वीकर एथलीट कंपैरेटिवली एंड यू कैन स्टिल बी विन ओवर अ स्ट्रॉन्गर एथलीट अगर आपकी टेक्निक स्पीड आप ऑफ कोर्स प्रोडक्शन जो है पावर कुछ कन्वर्ट करना उसको अगर आपको आता है तो अपेरेंटली जो फेवरेट्स का इसकी है वो लिफ्ट का फर्क है। वेट लिफ्टिंग में हमारे दो लिफ्ट होती हैं क्लीन एंड जर्क और स्नैच जबकि पावर लिफ्टिंग में हमारे पास तीन लिफ्ट हैं स्टार्टिंग ऑफ विद एस वी डी एस स्क्वाट डी बेंच प्रेस डी डेडलिफ्ट। हर स्क्वाट की एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, खिलाड़ी अपने हिसाब से अपना स्टैंस अपना ग्रिप एंगल चेंज कर सकता है लेकिन विद इन स्पेसिफिक गिवन पैरामीटर्स। उसके हम आते पहले बात जो शूज का हुई आज की दो दशक की 1970s में जब वेटलिफ्टिंग ऑलरेडी ओलंपिक स्पोर्ट बन चुका था लेकिन कुछ ऐसे जिम बोवर्स या स्टैंड एंट्रेंसेस होते थे जिनको वेटलिफ्टिंग की फैसिलिटी या एक्सेस हासिल नहीं होता था तो वो ऑड लिफ्ट्स यानी बेंच प्रेस फ्लोर प्रेस हैक स्क्वाट बैक डेड जिसे कहते हैं डेडलिफ्ट्स स्क्वाट्स डिफरेंट वेरिएशन वो किया करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होते थे एट ए टाइम उसको थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी उसको कहते हैं ऑरिजिनेट इंग्लैंड में होती उसको कहते हैं अमेरिका में लेकिन दोनों जगह दूर और बॉब हॉफमैन था मिड 70s में इसने इसको एज एन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इंट्रोड्यूस कराया कैलिफोर्निया में। उसके बाद एक और इंस्टेंटली हिट और इसको फॉलो किया इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज लॉ। तो फिर 70s में IPF इंटरनेशनल पावरलिफ्टिंग फेडरेशन का क्या हुआ जो रेगुलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कॉम्पिटिशन पूरी दुनिया में कराते हैं। फेडरेशन बहुत सारी है लेकिन टू योर नॉलेज जो मोस्ट लेजिटिमेट और जेन्युइन फेडरेशन है वो IPF है। IPF के तकरीबन 110 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया के फिलिपिन फेडरेशन में वो एशियन पावर फेडरेशन यूरोपियन पावर फेडरेशन फिर मजीद आगे कंट्रीज के अगर आप कॉमनवेल्थ पावर फेडरेशन एक अलग होती है फिर उसके अंदर मजीद आगे उनकी एफिलिएशन क्या कंट्रीज के जैसे पाकिस्तान पावर फेडरेशन है विच इज एफिलिएटेड बॉडी ऑफ एशियन पावर फेडरेशन और अल्टीमेट IPF। तो सबसे ज़्यादा जो जनरल मोस्ट लेजिटिमेट लिफ्टिंग जो होती है हर लिहाज से वो IPF की मेरा पर्सनल ओपिनियन और एक जनरल कॉल भी है कि सबसे लेजिटिमेट लिफ्टिंग IPF की होती है। और इसी तरह पाकिस्तान में अब डिफरेंट ग्रुप्स तो आ रहे हैं फाइन है मसला ये कि जो मोस्ट लेजिटिमेट और जो स्टैंडर्डाइज साइंटिफिकली स्टैंडर्डाइज लिफ्टिंग है वो फीमेल लिफ्टिंग नो डाउट अबाउट। तो अब हम थोड़ा सा कि मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताई है अब हम लिफ्ट पर आ जाते हैं। तीन लिफ्ट होती है ये ग्लोबल एक सीक्वेंस है आपने नाम सुना होगा एक कंपनी के बाद ये एस बी डी इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्क्वाट्स फॉलोड बाय बेंच प्रेस फिर यहाँ पर आपका सब टोटल होता है और फिर अल्टीमेटली डेडलिफ्ट डालकर टोटल होता है। जिस बंदे का टोटल ज्यादा होता है स्मूथ सिंपल है वो बंदा डिलीवर कर सकता है। अगर कहीं टोटल टाइप हो जाए तो फिर बॉडी वेट के हिसाब से इसका बॉडी वेट कम होगा भी बहुत ज्यादा कॉमन केस है कि दोनों बंदों ने एक साथ टोटल कर लेंगे दोनों बंदों ने एक साथ बेंच प्रेस कर लेंगे बेंच प्रेस थ्री लेफ्ट से पास होता है पॉपुलर बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस विद सेल्फ एक पूरा मतलब छोटा मान के आपको बात करेंगे तो अगर लिफ्ट बराबर हो जाए तो फिर लोअर बॉडी वेट वाला जो है वो विनर कंसिडर किया जाता है। और इन वेरी रेयर केसेस ऐसा भी होता है कि टोटल भी बराबर और बॉडी वेट भी बराबर ये भी होता है और यहाँ पर हम फंसे थे। फिर ये बात ने जिसे मैंने साथ बताया कि जो पहले टोटल रजिस्टर करवाता है ही वुड बी कंसीडर्ड एज अ विनर समझ में आ गया। आई के फॉर
हमारा कोई भी रूल ईपीएलएफ का ऐसा नहीं है कि जो हमने खुद से बनाया आईपीएफ के रूल को हम फॉलो करते हैं। हाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी थी, हम पाकिस्तान में डेवलपर्स कौन है तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन पर दे रहे रिलैक्सेशन पर दे रहे हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन पर डिबेट नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बता रहे कि रूल है ही और हम उसको अपना बदला डालें, इस तरह नहीं होता। तो अब हम फिर से आते हैं स्क्वाट, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को गेज करने का गोल्ड स्टैंडर्ड। पावर लिफ्टिंग इटसेल्फ इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ। ह्यूमन स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जब हम ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ की व्हाट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो बताएगा किसी मस्कुलर स्ट्रेंथ है क्या, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज बेसिकली फोर्स प्रोडक्शन अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ अटैक। एक गेज रखा मैं सुन एक खास मिकदार को पता है कि जगह से मिलेगा एनी फॉरन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं जोर लगाऊंगा फोर्स प्रोडक्शन में दैट इज मस्ट सिंपल इज दैट। तो पावर लिफ्टिंग जैसे मैंने आपको पहले बोला वेट लिफ्टिंग से इसलिए मुक्त रहते हैं कि वेट लिफ्टिंग में यूजिंग मोमेंटम स्पीड बेटर टेक्निक यू कैन क्रिएट हायर और हायर पावर आउटपुट्स, जबकि पावर लिफ्टिंग में मसल फोर्स है वो डिटरमिन करती है, ठीक है ना, इसमें मोमेंटम का फैक्टर बहुत कम होता है। तो स्क्वाट जो है लोअर बॉडी की आपकी स्ट्रेंथ है, गोल्ड स्टैंडर्ड है और अगर इसको शक्ल इसके अंदर जो बेस बनी सिर्फ एक सवाल है कि स्पॉट जो है आई थिंक जो वो तो आपकी लोअर बॉडी इसी में हो जाएगी आपका पावर जो जो बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है डायरेक्टली हिप और मिडल ऑफ फुट के ऊपर होता है तो बेटर हैंडलिंग ऑफ वेट। हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन दाखिल में रखते हैं, ठीक है, आपके जितने सवाल हैं वो करेंगे इंशाल्लाह, हम आखिर में हर एक का सवाल एक्सप्लेन करेंगे मैं और डॉक्टर खान साहब। तो अभी हम फिलहाल जरा मोटी मोटी बातें करते हैं फिर आपने जो पेचीदा सवाल आता है उसके जवाब देते हैं इंशाल्लाह। तो स्टार्ट ऑफ स्क्वाट, स्क्वाट जो है बेसिकली इसमें स्टैंस आपकी मर्जी है, स्टैंस आप वाइड भी कर सकते हैं, स्टैंस आप नैरो भी कर सकते हैं, स्टैंस मीडियम वाइड भी कर सकते हैं, जब तक कि अपनी प्रेफरेंस है उसकी वेट के हिसाब से उसकी चॉइस के हिसाब से। यूजली जो वेट लिफ्टिंग से कॉन्सेंट करते हैं पावर लिफ्टिंग में उनकी कॉर्ड जो है ज़्यादा होती है स्क्वाट, तो वो थोड़ा स्क्वाट का जो स्टैंस मीडियम नैरो रखते हैं, नैरो जो मीडियम रखते हैं जो कि टिपिकली मेरे से पावर लिफ्टर है वो मीडियम स्टैंड रखते हैं, और कुछ जो आम तौर पर जो गेड पावर लिफ्टर होते हैं या इक्विप पावर लिफ्टर होते हैं यूजली वाइड स्टैंड रखते हैं स्क्वाट का, और उसकी रीजन में आता है। तो किसी भी किस्म का जो स्क्वाट है वो एक्सेप्टेबल है, चाहे आपको हाई लो पावर करना है कभी कुछ नहीं कहेगा जब भी होगा तो आपके लिए चॉइस है, बट इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड बिलो पैरेलल। पैरेलल का मतलब है दो राइट दो साथ में जैसे रेलवे ट्रैक का करते हैं, तो आपका जो कॉर्ड होता है कॉर्ड आपका ये है आपने फ्लेक्स करना शुरू किया और ये पैरेलल जब ब्रेक करते हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ ब्रेक होता है, यहाँ से आप रिक्वायर्ड लेंथ हासिल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मजबूत जो रुकावट होती है स्क्वाट के फेल होने की वो नॉट इनफ डेप्थ होती है, जितनी टारगेट थी वो निकल थी उतना उसकी स्पॉट पर जज करना मुश्किल होगा। तो बेसिकली इसका जो रूल है मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा बेटा आपको आप सो के ऐसे निकाल दें आप और बहुत सारे फेस करेंगे आप बाद में स्पॉट को रिलेटेड ये जब आप दो में ये बेसिकली आपका टॉप ऑफ जीरो है ये आप फ्रीज है ना आपका क्वार्टर से रिजर्व होता है, ठीक है, आप नीचे ये देखो क्यों सर ये पास हो गया बंदा खुद ही सीख
में अगर देखा जाए तो वो सेंसेबल बंदा उसकी टेक्निक, मैं अकेला मैंने बात में शुरू की तो हमें कोई आर्टिस्ट का भी उसका आइडिया भी था या अपना एल्बो स्ट्रेटिंग करने का, ये चीज़ें बता कौन सी है कि सिंपल है गेट अ वेरी कॉम्प्लेक्स, तो ये भी प्रैक्टिस से समझ आता है कि इसके अंदर जो कॉजेज ऑफ फेलियर है डेफिनेटली लिफ्ट को ना तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाना, या आपका अगर हिप ऑफ बेंच हो जाए कॉन्टैक्ट पॉइंट है आपका पूरा हाई पेज में मेरी जुड़े कई लोगों को मैंने ऐसे बेंच करते देते हैं और कई बच्चों को मुझे कॉम्पिटिशन में समझाना पड़ता है कि ये टोस वाला बेंच हाई पेज का बेंच नहीं, हाई पेज का बेंच जो फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर पाँव लगाना चाहिए, शोल्डर सपोर्ट लगे होंगे शोल्डर उठाने को बेंच नहीं कर सकता, हिप्स लगे होंगे आपको आप आर्च कर सकते हैं लेकिन हिप उसमें आपका टच होगा। अच्छा कुछ लोग ये एक बड़ा कॉमन कंप्लेन चल रही है हवा स्कूल के अंदर स्पेशली कुछ सबसे पहले दूसरा तरीका समय शुरू होता है
सुपरनेटेड और प्रोनेटेड ग्रिप आमतौर पर रिकमेंड की जाती है, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप दोनों हाथ प्रोनेटेड डाल सकते हैं, जरूर ग्रिप कर सकते हैं, ग्रेटर फ्री ग्रिप होगी, किसी भी तरीके से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। टोटल मैंने आपको बता दिया, कॉजेज ऑफ फेलियर मैंने आपको बता दिए। अब अदनान भाई से पास होगा, डॉक्टर अदनान से, कि आई और पर्सनल इक्विपमेंट और अपीयरेंस।